राम का ननी हाल माने जाने वाले दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ में अयोध्या राम मंदिर समारोह को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मां कौशल्या मंदिर चंदखुरी समेत प्रदेश भर में आयोजन हो रही है। राम मंदिर के समारोह के साथ ही बयानबाजी का दौर भी तेज है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे उन्हें भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पीड़ा हो रही है। इससे बढ़िया क्या खुशी होगी, इस प्रदेश का भांजा जो 500 साल से एक झोपड़ी में रह रहा था आज प्रभु कृपा से कल वो अपने स्थान पर भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए इससे बड़ी क्या खुशी, ननियाल में मुझे भी आने का मौका मिला। मैं बहुत अच्छी बात है, सुंदरकांड भी करें, मंदिर भी जाए और अच्छा हो कि कल आधे कांग्रेसी मंदिर भी पहुंचे अयोध्या भी, हमने तो निमंत्रण दिया उनको। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 21 और 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस न केवल प्रदेश कार्यालय में बल्कि सभी जिलों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस भी कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राम मंदिर के दरवाजे खुलवाने का काम पूर्व पीएम राजीव गांधी ने ही करवाया था। राम पर सबको भरोसा है, दरवाजे खुलवाने का काम राजीव जी ने कराया, शिलान्यास भी राजीव जी ने कराया और उसके साथ साथ हम ये भी कहा न्यायालय के जो भी फैसला होगा हम लोग एक इंच भी इधर उधर नहीं होंगे। तो न्यायालय फैसले की इंतजार लोग करते नहीं रहे, लोगों को भड़काते रहे। भगवान राम पे सबकी आस्था है लेकिन जो मुद्दे जगत गुरु शंकराचार्यों ने जो उठाया है उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए छत्तीसगढ़ से 300 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल सब्जियां भी भोग लगाने के लिए भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने के साथ ही हाफ डे के शासकीय अवकाश का भी ऐलान किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने राम को लेकर लोगों के बीच जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।